नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आज मैं आपके एक नई वीडियो लेके आया हूँ। यार सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें जिससे कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो हमारे पास एक अल्टो K10 आई है, इसमें हम सस्पेंशन बनाने वाले हैं। तो सस्पेंशन बनाने के लिए हमने टायर वायर निकाल दिए क्योंकि आपको दिखाने के लिए वीडियो में ईजी पड़े। सस्पेंशन पार्ट्स में सबसे पहले आपको बता दें कि होता क्या क्या है। देखिए, स्टीयरिंग है, ये बिल्कुल कट चुका है तो हमको चेंज ही करना पड़ेगा क्योंकि अंदर भी ऐसे प्ले बता रहे हैं हल्का हल्का। ये सॉकर होता है और ये लुहरम होता है, इसकी भी हालत कंडीशन आप देख ही सकते हैं किस तरह से फट चुका है बिल्कुल। ये सब टोटली चीज़ें हम चेंज ही करने वाले हैं, इसमें ये रिपेयर होता नहीं है। और ये बैलेंस रोड बूस आएगा जो कि ये सब चीज़ें हम नवी डालने वाले हैं। ये सब निकाल देते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे डालते हैं इसे। तो देखिए, सॉकर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये दो बोल्ट खोलना पड़ेगा। ओके, ये बोल्ट है और एक ये बोल्ट है और नीचे से ये तो हमने खोल ही लिया है। दो दो बोल्ट खोल लेते हैं, फिर बाहर निकल जाएगा सॉकर। खोलो भैया, पकड़ रख पकड़ रख। इसको इस तरह से निकाल लेते हैं, रख नीचे रख। भरा पाना, भरा ठंडा कर ले और क्या, थोड़ा बॉक्स काम कर। रिंग पाना ले ले और यहाँ से भरा ले। रिंग पाना भरा, पूरा नहीं भर रहा हो, छोटा वाला ले ले। इस तरह से भरा, थोड़ा टूटा हो भूल गया। चलो खुल गया, अब लगा ले बॉक्स, पाना लगा ले, खुलेगा। सेम इसी प्रकार का इस साइड भी खोल लेना है। दो वोल्ट निकल जाएगा सॉकर बाहर आपका। हाँ, तो आप देख रहे हैं हमने सस्पेंशन में स्टीयरिंग निकाल दिया, लोहरम निकाल दिया, जंपर निकाल दिया। ये सब निकाल के देखिए, ये सॉकर ये रहा और स्टीयरिंग ये रहा। स्टीयरिंग की हालत आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल कट चुका है। ये इसमें प्ले था, खटखट आवाज आ रही थी रनिंग में, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये लोहरम की हालत देख ही सकते हैं कैसी है। ये डुप्लीकेट डाला हुआ बता दे, तो OMX करके है, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का है नहीं, ऐसे ही कट गया है। ये नंबर देख रहे हैं कटा हुआ। तो ये सब हिसाब से हम नवाई डाल रहे हैं पूरा कंप्लीट। और ये बैलेंस रोड के बूस, इसको भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो आप सस्पेंशन बना ली, अगर यही नहीं डाले तो फिर कोई मतलब का नहीं होगा। आपका आवाज़ तो ऐसे का वैसे ही आना हो जाएगा, आवाज़ मान लो कम हो जाएगा, बाकी आवाज़ तो थोड़ा बहुत रहेगा, इसके हिसाब से रहता ही है। तो स्टीयरिंग हम लोग देख ही रहे हैं, ये ओरिजिनल आता है राने। स्टीयरिंग पार्ट्स में राने और सोना, ये दो पार्ट्स सप्लाई करती है। तो राने का हम स्टीयरिंग डालने वाले हैं और ये जंपर भी देखिए ओरिजिनल ही है, गैब्रियल का जंपर है ये, हाँ देख सकते हैं गैब्रियल का जंपर है। तो दो सोकर सो लाए हम और ये दीवार में, ये भी राने का ही है, देख लीजिए। तो हम इसको फिटिंग करने जा रहे हैं, तो आपको बता दें कैसे प्रोसेस से फिट हो गए। सबसे पहले तो स्टीयरिंग आपको यहाँ से डालना पड़ेगा अंदर, और लोअर आर्म इधर लग जाएगा यहाँ। तो चलिए हम डालते हैं, आपको दिखाते हैं फिर वीडियो। मोबाइल ऐसे मत रख, ऐसे रख बैंड। तो आपको इस प्रकार से स्टीयरिंग डाल देना है यहाँ पे, और ये वाला भाग आगे साइड रखना है, ड्राइवर साइड रखते हैं। इसको डालोगे धीमे धीमे डालना है, बस भाई ज़्यादा मत खींच। चल घुस के लेवल मिला तो अंदर ले लो यार, ऑयल कुप्पी दे दो, ऐसे करके रखना, हिला मत, सीधा करके रख। सीधा कर उसको, सीधा कर। हाँ बस गया, चल गया, घुस गया। चल लट मार, चालू वीडियो। हाँ लगा, हाँ मिला। ऐसा एक क्लैंप आता है वो हमको लगा देना है। हाँ
देखिए स्टेयरिंग हो गया आपका, ये दो क्लिंप आएंगे, ये दो क्लिंप 12 नंबर बोल्ट रहते हैं, ये आपको फिट कर देना है। सेम इसी प्रकार इस साइड आएगा क्लिंप और 12 नंबर बोल्ट फिट कर देंगे। स्टेयरिंग हो गया, अंदर बोल्ट था वो तो आपको दिखाई दिए, स्टेयरिंग बोल जोड़ में जो लगता था, और इसी प्रकार से हमारा स्टेयरिंग हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं। चलते दूसरे, देखिए आपको पहले बैलेंस रोड यहाँ लगा लेना है, ग्रीस लगा देते थोड़ा, उस आपको ऐसे डालना पड़ेगा, ये वाला भाग आगे रहते हैं। एक बुस और ये भी डाल देना आपका, इस प्रकार से वाइसर नट लगा देना, 17 नंबर की नट आती है। हार्ड जाता है, ठोकना पड़ेगा, ठोक के बैठा सकते हैं। सेम इसी प्रकार पहले उधर भी लगा लेते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा इस साइड का, ये सब गाड़ियों में लुअरम कॉमन आता है, किसी भी साइड आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं लेफ्ट राइट अलग होगा, इसमें कॉमन होता है, बाकी दूसरी गाड़ियों में जो होती है वो सब में अलग होते हैं, लेफ्ट राइट अलग अलग आते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए हमारा लग गया बड़ा वाला वाली सबसे इंजन, और नट लगा दे रहे हैं। चलिए तो लोहार में फिट कर ले रहे हैं आप यहाँ पर, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठोक फिट करना पड़ेगा। दोनों साइड फिट कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं लोहर हम दोनों साइड के हम फिट कर चुके हैं कंप्लीट, जैसे इस प्रकार फिट के उधर भी ऐसे ही फिट कर लिए हैं। इस गाड़ी का हम लोग ने गियर भी खोला था, क्रच प्लेट इसमें डालना था तो हमने करके फिट कर दिया है। अगर आपको देखना हो तो वीडियो में हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं क्लच प्लेट कैसे डालते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है, आपको जरूर पसंद आएगी। इधर भी हो गया दोबारा, अब हम सॉकर लगा लेते हैं तब बताते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये सॉकर लगा दिया, स्टेयरिंग लगा दिया और डोर हम लगा दिया, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम सिर्फ टायर लगाएंगे और नकल कस देंगे, हो गया उधर। हाँ तो हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई, अब देख रहे हैं। अब जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Thanks for watching this video.